विकास यस सर। भाई चल रही है, सारे असाइनमेंट सबमिटेड हैं आपके? यस सर। राजीव सर से आपकी बात हो गई? सर ट्यूट वन वगैरह जो है सभी सब्जेक्ट्स के हो गए। क्या कह रहे हो? सर राजीव सर ने अभी फोन किया था, पापा से उनकी बात हुई थी कुछ दिनों पहले। उनसे बात करनी ओके सर। लक्ष्मी मौर्य? सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही लक्ष्मी। यस सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पढ़ाई क्या स्टेटस है इस समय? यस सर, अच्छी चल रही है। चल रही पढ़ाई? यस सर। कर कौन से आईडी से ज्वाइन कर लिया तुमने आज? यस सर। कौन सी आईडी से ज्वाइन किया? सी ओ चेंज कर लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड कोई शेड्यूल आप सभी के पास पहुंच गया होगा? यस सर। जो भी फी डिफॉल्टर है वो राजीव सर ने आपको अनाउंस भी कर दिया होगा, वो लोग सभी लोग फी जरूर पे कर रहे हैं। जिनका ही बैलेंस बचा होगा तो वो इस क्विज में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ उनके मार्क्स भी पोर्टल पे नहीं चढ़ेंगे। थोड़ा सा आप देख लीजिए इस चीज को, ठीक है? तो अगर मान लीजिए असाइन भी हो भी जाता है तो उसका मार्क्स भी पोर्टल पे नहीं चढ़ेगा, इसलिए सारे एक्टिविटीज कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। और जल्दी लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी आने वाला है, ये ऑलरेडी आपको कई बार बताया जा चुका बेटा।
सब एक्टिविटीज एक दूसरे से लिंक्ड है। अनन्या, अब सर, तुम्हारी फी का क्या स्टेटस है? पूरी सो मेरी फीस सबमिट है। सबमिट हो गई? ठीक। यस सर, राजीव सर को यस सर, अपडेट, पहले सबमिट कैसा? राजीव सर को अपडेट कर दिया आपने? यस सर, जब सबमिट करी थी तभी करी थी। मेरे ख्याल से मैंने अप्रैल में ही कर दी थी, नहीं मई में करी थी सर। और भी जो लोग हैं मुझे अभी सबके नाम नहीं समझ पता, आप देख लीजिए, सभी को सब पता है। अर्जुन सिंह, तुम्हारी क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। सर मैं आ रहा हूँ सर लगातार सर, 4-5 क्लास से सर, जब से सर फ्री हूँ सर। और जो पुराना काम बचा हुआ है वो सर आज कर दूंगा, आज सर शाम तक। लोगों के नोट सबमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके नोट सबमिट नहीं हुए हैं, तो नोट्स यूनिट वाइज जरूर सबमिट करिए। आज का नया टॉपिक है पोलिश नोटेशन, जिसको हम और एलोबोरेट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो हेडिंग देख लीजिए, डाल लीजिए हेडिंग पोलिश नोटेशन। लास्ट लेक्चर आई डिस्कस अबाउट द पोलिश नोटेशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सब लोग? यस सर। हाँ, सो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते भी चलिए साथ ही साथ। ये कौन है? डांस गॉड, डांस गॉड पता नहीं कौन था, मैंने हटा दिया। अपने नाम से ही आइए, अदरवाइज परमिशन नहीं है। स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर, यस सर। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, लिख लीजिए, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। सो एक्सप्रेशन मैंने उस दिन भी आपसे डिस्कस किया था, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और द रिटेन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। जब इनफिक्स एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम लोग, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें कि ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में हो, इनफिक्स मतलब अंदर। तो अगर ये ए और बी लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप लोग, यस सर, अगर ए और बी आपके दो ऑपरेंड हैं और ये प्लस एक ऑपरेटर है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन।
तो जो पोलिश मैथमेटिशियन थे, पोलिश मैथमेटिशियन फाउंड दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन इज टू मच, सो ही रोड द एक्सप्रेशन लाइक दिस वे. मीन्स ऑपरेटर, बार बार ज्वाइनिंग कर रहे, ऑपरेटर इज प्लेस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट बोथ ऑपरेंड्स. दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज प्रीफिक्स एंड ही ऑब्जर्व दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ that the complexity of prefix is less than of infix expression. So that's why this is known as Polish notation or Polish expression. Any prefix को हम Polish expression कहते हैं. After that and after the observation of Polish, another mathematician written the expression like this, where operand plays as first and after that operator. This is known as postfix. This is known as postfix. And calculate the complexity of this particular statement postfix, where operand is placed before the operator. Yeah, you can say that operator is placed at the last. And he found that the complexity is too much comparison with the infix and prefix. So he suggested for the computation process during any computer programming or development procedure, it is very much beneficial. So that it is known as reverse Polish notation. Note it down, reverse Polish notation. Polish notation kya tha? Prefix, jisme ki operator pehle tha aur operand baad mein. Reverse Polish notation kya hai? Jisme operand pehle hai aur operator baad mein. This postfix expression is also known as reverse Polish notation. इस पे notes लिखने को आते हैं. Reverse Polish notation. ठीक है, सभी को दिख रहा होगा मुझे लग रहा है, सभी लोग देख पा रहे हैं. हाँ, ये नोट के फॉर्म में जरूर लिख लीजिएगा कि ये एक्चुअल में पोलिश नोटेशंस होते क्या हैं और रिवर्स पोलिश नोटेशन क्या होता है. अब हमको क्या करना है कि जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं, समहाउ मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन यू विल फाइंड एज योर क्वेश्चन और इन योर क्वेश्चन पेपर एज इनफिक्स फॉर्म. क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं या कोई भी आप कभी भी कहीं भी फाइंड आउट करेंगे, तो जो एक्सप्रेशन का जो टाइप होता है जनरल, जो ह्यूमन मेड होता है, नेचुरल होता है, वो होता है आपका इनफिक्स. तो हमको क्या करना है, उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर करके और उसको फिर सॉल्व करना है. जितने भी एक्सप्रेशन आपको मिले होंगे और आपने एक्सप्रेशन सॉल्व भी किए हैं, तो उनको हमें क्या करना है, पोस्टफिक्स में, हमें प्रीफिक्स में नहीं जाना है, हमें रिवर्स पोलिश नोटेशन में जाना है. प्रीफिक्स में भी कहीं कहीं कभी कभी आ जाता है, बहुत रेयर केस में है. मेन टास्क जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझता है, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम नंबर सिस्टम हमने कई सारे पढ़े, डेसिमल पढ़ा, ऑक्टल पढ़ा, हेक्साडेसिमल पढ़ा, बाइनरी पढ़ा, लेकिन हमारा जो सिस्टम, जो नंबर सिस्टम है बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम जो बेस्ड है, या जो नंबर सिस्टम को हमारा सिस्टम फॉलो करता है, दैट इज योर बाइनरी सिस्टम.
जीरो और वन। इसी तरह जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को ज्यादा प्रीफर करता है। अगर किसी ने इनफिक्स एक्सप्रेशन लिख भी दिया है तो हम आपको मेथड बताएंगे, एल्गोरिथम बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड द स्टैक विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन नोन एज रिवर्स पोलिश नोटेशन और कन्वर्जन ऑफ infix expression into its equivalent postfix expression. Equivalent why I am saying कि कोई भी ना ही operand ना ही operator कम होना चाहिए, ठीक है? लिखने का तरीका अलग होगा, parentheses हो सकते हैं वहाँ पे, whether it be small, curly और जो big parentheses वो हमें सब remove कर देने और उसको method भी अभी discuss करेंगे किस तरह से करना है और उसके बाद equivalent postfix expression में हमको कन्वर्ट कर देना है। आपने देखा होगा हम लोग जो ज्यादातर कॉमन एक्सप्रेशन लिखते हैं वो अगर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है तो हम लोग इस तरह लिखते हैं a प्लस बी सी। आपने देखा होगा कॉमन एक्सप्रेशन हम लोग क्या करते हैं कि हमको ये कहीं पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इन दोनों को पैरेंथेसिस में क्लोज कर दिया, उसके बाद यहाँ पे फिर तीसरा ऑपरेंड लिख दिया जिसके बीच में ये ऑपरेटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसलिए लिखने के लिए या समझाने के लिए या एक्सप्रेस करने का तरीका है कि पहले इनका सम होगा और उसके बाद तब हम ये मान के चलें जो भी वैल्यू आएगी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए, समझने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस का मतलब ही यही होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब भी हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की बात करते हैं वहां पे पैरेंथेसिस नहीं होता। तो जो हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं विदाउट एनी पैरेंथेसिस, किसी भी पैरेंथेसिस के बिना ही हमको वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। पैरेंथेसिस हम यूज करेंगे फॉर अनदर पर्पस, एक पैरेंथेसिस ज्यादातर हम लोग राइट पैरेंथेसिस को यूज करेंगे फॉर अनदर पर्पस, कंप्यूटेशन पर्पस, लेकिन इंक्लोज नहीं करेंगे, इनफिक्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। कितनी बार सभी को समझ में आ गई इसमें, अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि मैं इसलिए रिकैप किया मैंने लास्ट लेक्चर का पार्ट, इससे जो लोग नहीं आए हैं जिनका कुछ मिस हो गया हो तो वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि जिस एक्सप्रेशन की हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, किसी का भी कोई भी पेपर आप देंगे, SSC से लेकर के कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, बैंक का भी देंगे, उसमें इस एक्सप्रेशन के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। या जो लोग देख के भी आए, जिन्होंने पेपर देखा भी है वो भी ये अवेयर होंगे इससे भी, यहाँ ये क्वेश्चन जरूर आता है। प्लेसमेंट ड्राइव्स होती है उसमें जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें भी ये एक्सप्रेशन जरूर आए। ओके यस सर, नाउ स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Heading लिखी है यहाँ पे evaluation of postfix expression. तो हमको जो भी काम करना है, जो task है, वो perform करना है, वो postfix expression पे ही करना है। और अगर हमको कहीं भी as a problem infix expression दिया है तो हम अगले बार आएंगे कि उसको postfix में कैसे convert करते हैं, लेकिन पहले हम solve करेंगे क्योंकि हमें solve करना है। पहले solution देखेंगे और उसके बाद फिर कन्वर्जन, और तब उसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो हमें हो सकता है दोनों प्रोसीजर भी फॉलो करने पड़े, दोनों एल्गोरिथम भी फॉलो करने पड़े। तो राइट इट डाउन, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वर्ड्स फॉर्म में, ये आपकी एल्गोरिथम है और इसको हम लोग पहले समझेंगे। आप सभी लोग इसको पहले ही लिखते भी चलिए, आपके सामने ही है, और उसके बाद इसको हम लोग ट्रेस करेंगे या सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। So evaluation of postfix expression algorithm, first point है add a right parenthesis at the end of expression p, p is your postfix expression, don't be confused, p also you can say that p for also prefix expression, but मैंने पहले ही आपको बता दिया है प्रीफिक्स को बहुत ज्यादा हमें इनकाउंटर नहीं करना है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेन हमारा फोकस है पोस्टफिक्स। तो यहाँ
यहाँ पे जो पी का मतलब है वो पोस्टफिक्स, हमने जो नाम दिया वो पोस्टफिक्स नाम दिया और पोस्टफिक्स का ये पी। I already told you कि जो भी आपका postfix expression होगा without any parenthesis, but this parenthesis जो मैंने आपको बताया right parenthesis को बोला, ये सिर्फ ट्रैक करने के लिए होता है कि एक जो expression होगा वो left to right scan होगा और पता कैसे चलेगा कि ये खत्म हो रहा है, ये expression यहाँ पे end हो रहा है। तो ये end करने के लिए हमने एक special symbol लिया है right parenthesis। This is not part of problem. This is part of solution. Algorithm is part of solution. तो ये हमने जैसे हम लोग let नहीं कर लेते कि let हमने x की value कुछ भी मान ली या हमने किसी particular variable की value x y z मान ली, वो जो suppose करते हैं हमने वो suppose कर लिया है for termination। जैसे जैसे आपका loop चलेगा तो how system will know that this is the termination या this is termination point। अब हम इसको खत्म करके फिर फर्दर रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। ये प्रोसेस इज नाउ, इट इज नाउ टाइम टू ओवर द प्रोसेस। तो ये हमने एक पैरेंथेसिस लिया हुआ है राइट पैरेंथेसिस, दिस इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सो ऐड अ राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन पी, ठीक, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसके आखिरी में इसको आप ऐड कर लेंगे। सेकेंड स्टेप स्कैन पी, पी इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, नोट इट डाउन, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कहीं पे भी, पी फॉर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ही है चाहे ये या अगली एल्गोरिथम में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स ट्रेस या कहीं भी हम स्टैक में भी मैंने आपको दिखाया तो हम ये मान के चलते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट ही या बॉटम टू टॉप इन केस ऑफ स्टैक ही फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखना। तो जो स्कैन होगा वो लेफ्ट टू राइट, ये हम लोग का प्रोसीजर भी होता है, सभी लोग कॉपी में भी लिखते हैं तो ज्यादातर हमने देखा लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है अभी ये ऐसी भी हैबिट होगी वो राइट टू लेफ्ट लिखे, कुछ लोग लिखते भी वो उनका अपना पर्सनल, लेकिन ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है लेफ्ट टू राइट का। तो जब आप हम लोग एक्सप्रेशन भी स्कैन कर रहे हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप थ्री एंड फोर के भी आने वाले हैं, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पी जो एक्सप्रेशन है अंटिल राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, जब तक कि आपको राइट पैरेंथेसिस ना मिल जाए, यानी दिस इज नथिंग बट अ लूप। लूप हम लोग इसी तरह से लगाते हैं, आपने देखा होगा व्हाइल टॉप नॉट इक्वल टू नल या व्हाइल क्यू के लिंक में जब तक आपको नल ना मिल जाए तब तक तो आपने क्रिएशन किया था, या क्यू लिंक या क्यू नॉट इक्वल टू नल जो आपने डिस्प्ले में कंडीशन लिखी है। लूप का मतलब यही होता है, सभी लोग समझते हैं लूप को, तो ये लूप का ही लिखने का तरीका है। ये हम एल्गोरिथम वर्ड एल्गोरिथम लिख रहे हैं इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। इसमें आप कोई भी अपना लूप चाहे फॉर व्हाइल डू व्हाइल जो भी आपको लूप चाहे वो आप फिट कर सकते हैं। ये दोनों स्टेप समझ में आए सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और नहीं भी समझ में आए होंगे तो मैं अभी एक एग्जांपल करूंगा, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगा। अब ये दो हो गए, अब ये दूसरा वाला ये लूप स्टार्ट हो गया। अब लूप के ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है आपके कौन से, फोर और थ्री एंड फोर। इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुट इट इन टू स्टैक, जब भी आपको ऑपरेंड मिले ए बी सी डी थ्री फोर फाइव जो भी मिले उन सबको कहाँ करना है, स्टैक में डालते चले जाना है, ठीक ठीक है। वो आप जानते हैं पॉइंटर हमारे डालने का मतलब पुश कॉल होगा, ठीक है। तो पुश कॉल करने का मतलब यही हुआ, पुट की जगह यहाँ पे आप पुश भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पुश कहते हैं। एल्गोरिथम सब लोग लिखते चले जा रहे हैं, श्वेता? यस सर। आयुषी? यस सर। लिखते चलिए साथ में, लिखते रहेंगे समझ में आए। इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुश इट इनटू स्टैक,
ये आपको करते ही चले जाना क्योंकि लूप लगा हुआ है, जितने भी मिले 1 2 3 4 5 6 जितने भी मिले, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ एन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का सिंबल लगाया है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नथिंग बट सिंबल, एनी सिंबल, ये मत सोचिएगा कि एट द रेट लगाया है ये कोई भी हमारा स्पेशल ऑपरेटर, नहीं, इसमें प्लस माइनस एस्ट्रिक डिवीजन पाइप साइन एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, ये ऑपरेटर लिखने का एक तरीका है, मैं बल्कि इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, ऑपरेट मिलते चले जा रहे हैं और हमको स्टैक में डालते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्योंकि एक्सप्रेशन जब लिखा गया है तो ऑपरेट के बाद ऑपरेटर जरूर होगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एक ऐसा होता है जहाँ पे मे भी ऐसा भी प्रॉब्लम हो कि आपके साथ मे भी ऐसा लगभग होता ही होता है कि लगातार 3-4 ऑपरेंड के बाद फिर ऑपरेटर हो, इनफिक्स में ऐसा नहीं होता, इनफिक्स में क्या होता है, एक आपके ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर होता है और फिर फर्दर दूसरा ऑपरेंड रहता है, लेकिन पोस्ट फिक्स में आप देखिएगा ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई ऑपरेटर मिलता है तो फर्दर दो स्टेप फॉलो करने हैं, ये इफ का है और उसके बाद इसके दो स्टेप्स हैं फर्दर, पॉप टू टॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक ए एंड बी, जैसे ही कोई ऑपरेटर मिलता है तो ऑपरेटर को डालना नहीं है, जैसे ही आपने स्कैन किया और कोई ऑपरेटर मिला तो तुरंत क्या करिए, टॉप के दो एलिमेंट, अगर 5-6 पड़े भी हैं, 6-7-8 एलिमेंट पड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, टॉप के दो एलिमेंट निकाल लें, तो ए सबसे ऊपर होगा और जो बी होगा वो नेक्स्ट टू टॉप यानी दूसरे नंबर का एलिमेंट होगा, जो दो एलिमेंट आप निकालते हैं उसमें दूसरे नंबर का आपका एलिमेंट होगा और उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना है बी पे, इवैल्यूएट बी ऑपरेटर ए, इसे अगेन ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर क्यों ना हो, नोट इट डाउन, और किस तरह से करना है मैंने लिख के दिया हुआ, बी ऑपरेटर ए, देखिए ऑपरेटर की जो है ऑपरेंड की प्लेस वैल्यू मैटर करेगी जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए अगर प्लस या मल्टीप्लिकेशन है यानी अगर सम है और मल्टीप्लिकेशन है तो चाहे ए की जगह बी हो बी की जगह ओ हो कोई मतलब नहीं, रिजल्ट सेम होगा, लेकिन जहां पे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो ऑपरेटर की ऑपरेंड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, एग्री? यस सर। हाँ देखिए 4+3 करिए, 3+4 करिए, 7 ही आना है, लेकिन 3-4 करेंगे या 4-3 करेंगे तो रिजल्ट में चेंज होगा साइन वैल्यू के साथ, अगर डिवीजन कर दिया तो भी चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया है यहाँ लिख करके कि जब भी हो तो मतलब आप बी ऑपरेटर ए ही फॉलो करें, क्योंकि एक बार में दो से ज्यादा आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कितना बड़ा भी कोई भी आपका एक्सप्रेशन क्यों ना लिखा हो, कैलकुलेशन दो दो को लेकर के फर्दर वो जिगजैग फॉर्म में होता चला जाता है, ठीक है। बी ऑपरेटर ए करेंगे और इसके बाद इसकी जो भी वैल्यू होगी उस रिजल्ट ऑफ बी, बी मतलब दिस स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट की जो भी वैल्यू होगी या जो भी या प्रोसीजर आपने फॉलो किया इसकी वैल्यू को वापस स्टैक में डाल देना, उसके बाद एंड इफ, ये एंड इफ इफ का ये फोर नंबर का इफ है, इसका ये बंद हुआ है, ठीक है, ये इफ कंडीशन लगी है और इसके साथ इतने एग्जीक्यूटिवल स्टेटमेंट लगे, उसके बाद ये आपका इफ बंद हो गया और ये एंड ऑफ स्टेप टू लूप जो आपने ये स्कैन किया था ना, मैंने आपको बताया था व्हाइल या फॉर जो भी लूप है ये वाला लूप बंद हो गया, उसके बाद जब ये पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाए, ये सारा लूप आपका खत्म हो जाए तो सेट वैल्यू ऑफ स्टैक एज डिफॉल्ट रिजल्ट, जो लास्ट वैल्यू पड़ी होगी स्टैक में वो हमारा डिफॉल्ट रिजल्ट होगा, यानी आप उसको प्रिंट करा देंगे और ये आपका प्रोसीजर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एग्जिट। सभी ने एल्गोरिथम ये लिख ली है और लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं भी लिखी जो समझ भी रहे थे वो फटाक से लिख लें और
जिसकी जो भी कोई क्वेरी है वो भी पूछ ले। बाकी मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। लिख लिया? यस सर। व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन दिखने लगी सबको? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट। क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट following postfix expression. लिखा क्वेश्चन सबने? इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन लिखिए, 5, 6, 2 प्लस कॉमा लगाते चलिए, मल्टीप्लिकेशन ट्वेल्व कॉमा 4 डिवीजन माइनस। एक्सप्रेशन सबने लिख लिया? यस सर। हाँ, सो दिस इज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आप देख भी पा रहे हैं कि हमारे जितने भी लगभग 3 ऑपरेंड के बाद तब 2 ऑपरेटर हैं, फिर आपके 2 ऑपरेंड हैं और फिर 2 ऑपरेटर हैं। एक चीज और जरूर ध्यान रखिएगा, ऑपरेंड एक ज्यादा होगा आपके ऑपरेटर से, ये जरूर इंश्योर कर लीजिएगा। इसके बीच में अगर कुछ है तो इसका मतलब एक्सप्रेशन वो गड़बड़ है और सॉल्व नहीं हो रहा है। मिनिमम भी आप बात करें, जब हम लोग ए प्लस बी की बात करते हैं तो 2 ऑपरेंड होते हैं और 1 ऑपरेटर होता है, तो हमेशा ऑपरेंड प्लस 1 होगा नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, ये चीज इंश्योर कर लीजिएगा। और मुझे लग रहा है आप सबने इसको माइंड भी किया होगा जब भी हम लोग का एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं या क्या करते हैं। नहीं भी किया है तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन मिले तो हमको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस तरह का ही एक्सप्रेशन हो, खासकर जब आप पोस्टफिक्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पता ही नहीं चलता है कि किसको कहाँ आप कैलकुलेट करें। इस एक्सप्रेशन को देख के भी आपको नहीं पता चल रहा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? एग्री है सब लोग? रिस्पॉन्स आता रहना चाहिए और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए चीजों को। ठीक, एक क्वेश्चन सभी ने लिख लिया? यस सर। आप लिखिए नीचे सॉल्यूशन। अब नीचे लिखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखिए पी, क्योंकि हमने इसको नाम दिया है पी। एल्गोरिथम को ध्यान रखिएगा, जो भी अगर पेज पे लिखी है वो पेज पलट के देखिए इसका। हमने अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इसको नाम दिया है पी। यही तो कहा है हमने, इस एक्सप्रेशन को नाम दिया है पी, और उसके बाद पी कोलन करके ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दीजिए और लास्ट में राइट पैरेंथेसिस लगा दीजिए, दिस इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना? स्कैन
टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बल्कि हमने पहले ही स्टेप में लिख दिया है. अगर आप ध्यान रखिए, एड ए राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन टी, लिखा है कि नहीं लिखा होगा, इसलिए हमने राइट पैरेंथेसिस उस टी के एंड में लिख दिया है. और हमें स्कैन तब तक करना है जब तक कि हमको राइट पैरेंथेसिस ना मिल जाए. ये बात सभी को समझ में आ गई, सबने सॉल्यूशन में लिख भी लिया होगा. यस सर, यस सर. ठीक, अब इस टैग को हम लोग यूज करेंगे. ठीक, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया बिना इस टैग के आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, और कोई भी तरीका ही नहीं, मेथड ही नहीं. तो अब हम इस टैग लेने जा रहे हैं, लेकिन अब इस टैग का साइज क्या होगा, क्योंकि हम इस टैग यूज कर रहे हैं फॉर टेम्परेरी एक मेथड, एक डेटा स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं. तो ये आपके एक्सपीरियंस यूज एंड ट्रायल पे डिपेंड करता है कि आप उसका साइज क्या रखते हैं. देखिए, हम देख पा रहे हैं एक टाइम पे एक दो तीन, तीन ऑपरेंड आपको लेने पड़ेंगे एक टाइम पे. उसके बाद जहां ऑपरेटर आएगा तो ये सॉल्व हो जाएंगे ये दोनों, और एक दो कम हो जाएंगे. यानी अगर हम मैक्सिमम साइज चार रख लें या पांच रख लें तो हमारा काम हो जाएगा. दिस डिपेंड्स अपॉन मी एंड यू एज सॉल्वर. तो हमने क्या किया, एक स्टैक बना लिया यहाँ पे, आप लोग भी बना लीजिए. ठीक है, चार मान लिए हमने, एक दो तीन चार, ये भी एक हमारा है स्टैक का. आप भी बना लीजिए और हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे. ठीक, बना लिया होगा आप सबने. अब देखिए तीसरा पॉइंट कहता है, हम अभी स्कैन करने जा रहे हैं लेफ्ट से लेके राइट तक, और तब तक करेंगे जब तक हमको ये राइट पैरेंथेसिस ना मिल जाए. तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले शुरू किया और उसमें साफ साफ लिखा है इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर पुश इट इनटू स्टैक. तो जैसे हमें फाइव मिला हमने इसको पुश कर दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दी कि हमारा ये हो गया. फिर क्या मिला हमको दूसरे पे, सिक्स मिला, हमने इसको फिर से पुश कर दिया. ध्यान रखिएगा पुश के केस में सारा वही प्रोसीजर कॉल होगा जो कि एल्गोरिथम में हम लोग करते हैं, या जो हमने प्रोग्राम में भी किया था. ठीक है, तो हमने पहले इनिशियल स्टैक पूरा खाली है जो हमने पहले बनाया था, तो टॉप की वैल्यू जीरो है, ओवरफ्लो होगा नहीं. टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, यानी वन पे आपका पॉइंटर आया और उसके स्टैक के टॉप यानी वन पे एलिमेंट चला गया, दिस इज फाइव. सेकेंडरी स्टेप में फिर से आपने वही किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, टू हो गया, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू हो गया, और स्टैक के टॉप यानी टू पे सिक्स चला गया. प्रोसीजर समझ में आ रहा ना, वो वही होगा. हम यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन इसकी बात कर रहे हैं, ये ऑब्वियस है कि ये सारे स्टेप आपको क्लियर है और उसी हिसाब से उसको सॉल्व. तो फाइव हो गया, सिक्स हो गया, अभी हम करते ही चले जाएंगे क्योंकि हमें ऑपरेंड मिलते चले जा रहे हैं. फिर ये टू मिला, हमने टू भी लिख दिया. ठीक है, यस सर. रादर देन कि आप एक साथ करें, क्योंकि इसमें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आप इस तरह से कर लीजिए, स्टेप बढ़ाइए. पहले स्टेप में आप फाइव कर लीजिए, दूसरे स्टेप में ये आपका सिक्स हो गया, और ये तीसरा स्टेप आपका टू हो गया. ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया. स्टेप के मार्क्स हैं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब हमने ये तीन तक स्कैन कर लिया. अब हम आए कहां पे, यहां पे. फोर्थ स्टेप क्या हुआ, मैं अब स्टेप वाइज लिख दे रहा हूं. फोर्थ स्टेप क्या हुआ आपका, इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड. भाई आपने जैसे स्कैन किया तो आपको क्या मिला, इस बार ऑपरेटर मिला. तो जैसे ही ऑपरेटर मिला तो आपने क्या किया, टॉप के दो एलिमेंट को पॉप कर लिया. और कैसे पॉप किया, पहले निकला टू, ये हमने यहां लिख दिया टू, फिर निकला
सिक्स, यानी ये ए है और ये बी, सिक्स, दिस इज ए दिस इज बी, और इनके बीच में जो बी वाला पॉइंट है ऑपरेटर लगा दिया, इसकी वैल्यू कितनी हुई? एट, ए, बी ऑपरेटर ए आपने कर दिया एट, और तीसरा स्टेप लिखा हुआ है कि बी ऑपरेटर की जो वैल्यू है उसको स्टैक में डाल देना, यानी स्टैक अब आपका यहाँ पे फोर्थ स्टेप ही है, अब इसमें तो नीचे बचा था फाइव, क्योंकि सिक्स और टू तो आप निकाल चुके थे, तो इसमें क्या आप डाल देंगे? एट, ये सभी को समझ में आया? यस सर, कोई ऐसा जिसको इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी आपकी जो क्विज भी आएगी उसमें भी ये क्वेश्चन रहेंगे, प्री एंड सेमेस्टर होगा उसमें भी ये क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जितने भी मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, जो भी मैंने आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं उसको जरूर प्रिपेयर करिएगा, चाहे क्विज हो चाहे प्री एंड सेमेस्टर हो, वो सारे आएंगे, यानी जो हमने आपको जो एग्जाम्पल भी कराए थे हर एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो हमारा एट बिगनिंग का हो, मैंने एक आपको डायग्राम बनाया था जिसमें 75 स्कोर ऐड कराया था, फिर स्पेसिफाइड पोजीशन में मैंने आपको शायद जॉन को एडमिट कराया था, और मैंने डिलीशन के केस में ग्रीन या जॉन में से किसी एक को डिस्चार्ज कराया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग को ज़्यादा समझ में कॉपी में देखेंगे, तो वो जो डायग्राम बेस्ड एग्जाम्पल है उस टाइप के एग्जाम्पल भी आएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्विज, और इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, डायरेक्टली हमने आपको एक्सप्रेशन दे दिया और इसकी वैल्यू पूछ ली, इसका रिजल्ट बता दिया, तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये स्टेप सभी को समझ में आया? मुस्कान शुक्ला, समझ में आया कि हमने क्या किया है? ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ तक प्लस तक स्कैन किया था और ये हमारा अब हो गया, अब हम फिर शुरू कर रहे हैं, भाई ये हमारा लूप चलता रहेगा क्योंकि अभी हमको ये नल नहीं मिला, फिर हमको क्या मिला देखिए स्कैन करने के बाद फिफ्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में क्या मिला सर? एक और ऑपरेटर मिला, एक और ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का होता है, इसको बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है भाई, तो जैसे ही आपने देखा हम पहले स्कैन कर रहे हैं फिर प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे ही देखा हमें फिर से मल्टीप्लिकेशन के एक ऑपरेटर मिला हुआ है, तो तुरंत मैंने स्टैक में से टॉप टू ऑपरेंड निकाल दिए, निकाले कैसे, पहले ये निकलेगा, एरो बता दे रहा हूँ, फिर ये निकलेगा, तो देखिए पहले ये निकला एट, फिर ये निकला फाइव, ये तो निकल गए, ये हमने ए काम कर लिया, ए पार्ट फोर का ए, और बी में क्या है कि हमको इवेलुएट करना है बी ऑपरेटर ए, तो इसमें ऑपरेटर हमने लिख दिया, कितनी वैल्यू हो गई जल्दी बताइए? 40, और इसको हमने फिर से स्टैक में डाल दिया, ब्लॉक बना लीजिएगा पूरे चार, क्योंकि हमने चार का ही लिया था, मैं यहाँ पर फिलहाल 40 लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है सभी को? 40 है, थोड़ा छोटा लिखा मैंने, yes, ठीक है, अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, क्योंकि ये पेज भी लोग हैं, ठीक, अब जब हम जाएंगे तो हम क्या स्कैन करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिला? 12, और उसके बाद हमको मिलेगा 4, ठीक है, अब आप देखिए, और 40 पहले से ही पड़ा था, सिक्स्थ स्टेप में 12 आपने ऐड कर दिया, सेवेंथ स्टेप में ये देखिएगा, सेवेंथ स्टेप है ध्यान रखिएगा, कितना था?
फोर दादा फोर फोर ये हमारा सेवेंथ स्टेप हो गया। अब हम आते हैं एट पे। अब क्या मिला है फिर से आपको? ऑपरेटर मिला, डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन मिला। तो जैसे ही मिला तो पहले इसको फोर को निकालिए, फिर ट्वेल्व को निकालिए। ये हमने फोर का ए वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, उसके बाद उसमें लिखा हुआ बी ऑपरेटर ए हमने डिवाइड कर दिया, कितना आया? थ्री। और इसको हमको जब थ्री है तो पहले ये हमको कर लेना है, इसको वापस रिजल्ट को स्टैक में डाल लेना है, यानी 40 तो हमारा था ही और अब क्या पड़ गया 3। ये ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे चार ब्लॉक नहीं बनाए, आप हमेशा चार ब्लॉक ही बनाइएगा स्टैक में, तो नंबर कट जाएंगे। ये हमने सिर्फ लिखने के लिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमने कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप एज इट इज मत लिख दीजिएगा। यहाँ पे चारों ब्लॉक बनाइए क्योंकि आपने इनिशियली चार का ही स्टैक लिया था, हमने इसका रिजल्ट 3 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर से हमने स्कैन किया तो हमें एक और ऑपरेटर मिल गया, क्या मिला? माइनस। नाइन्थ स्टेप में देखिए हमने क्या किया, फिर से टॉप टू एलिमेंट निकाले, पहले 3 निकाला, फिर क्या निकाला 40, और फिर जो बी काम करना है, बी वाला जो पॉइंट है, बी ऑपरेटर है, हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे ऑपरेटर, कितनी वैल्यू आई? 37। जैसे ही आई हमने इसको फिर से वापस वैल्यू को खाली नहीं छोड़ना है, तुरंत हमने स्टैक में डाल दिया। अब फिर से हम यहाँ आ गए, हमको क्या मिल रहा है? स्कैन कर रहे हैं क्या पैरेंथेसिस मिल रहा है, सर पैरेंथेसिस मिल रहा है, यानी आपको अब एक सिग्नल मिल रहा है कि हमारा यहाँ पे जो भी स्कैनिंग का काम है वो खत्म हो गया। तो जैसे ही राइट पैरेंथेसिस मिल गया, यानी हमको ये पता चल गया कि हमारे सारे ऑपरेटर और ऑपरेंड हैज बीन ट्रेस्ड एंड इवैल्यूएटेड, अब हमें खत्म कर देना है, दिस शोज द एंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया, जो रिजल्ट वैल्यू आई वो कितनी हुई? 37। इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, राइट करा लेंगे, जो आप करना चाहें वो कर लीजिए, मैंने लिख दिया प्रिंट या रिजल्ट जो भी है, हम रिजल्ट प्रिंट ही कराते हैं, दिस इज आंसर। ये सभी को समझ में आया? कोई ऐसा भी है जिसको समझ में ना आया इस प्रोसीजर में, जिसको कोई प्रॉब्लम है? सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखिए फटाक से। सॉल्व करिए, मुझे फटाक से आंसर बताइए। लिखिए 12, 7, 3 माइनस डिवीजन, कॉमा लगा दे रहा हूं मैं इसी के, टू 1, 5 प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन और फिर प्लस, इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से, फटाक से सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखिए, पूरा प्रोसीजर फॉलो करके मुझे आंसर बताइए। सर 15 होगा क्या सर? हाँ 15 सर, 15 एक बोलो अपने माइक को अपने मुंह के पास। 15 हेलो
सर सर 15 होगा क्या? उनके पास एक टेस्ट भी आएगा, ठीक है? आंसर किसी का निकला सर? 15 15 आ रहा है, 15 15 आ रहा है सर। सभी का निकला है आंसर? यस सर, 15 बोल रहे हैं सर। सभी का आंसर आ गया? कुछ लोग का 15 आ रहा है, और किसका कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताइए। सभी का 15 आ रहा है? बोलेंगे नहीं तो मैं रिव्यू करना फिर शुरू करूंगा। यस सर, यस सर, 15 आ रहा है। यस सर। चंदन गुप्ता? यस सर। रजत श्रीवास्तव? यस सर। ये क्लास ज्वाइन करने का कौन सा टाइम है सर? यहाँ सर कल लाइट नहीं आ रही सर मेरे एरिया में। बैकअप वगैरह लखा करो सर, वो वाईफाई डिसकनेक्ट हो गया सर, कल शाम से लाइट नहीं आ रही 7 बजे से। मोबाइल के नेटवर्क से ज्वाइन करो, उसमें क्या दिक्कत है सर? मोबाइल का नेटवर्क सर। सभी को समझ में आ गया? यस सर, यस सर। हाँ देखिए, एक टेस्ट भी आएगा, सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, हो सकता है अभी ना आया हो, आने वाला है। सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है, उसको एक पेज पे, ओनली वन पेज, नॉट एक्स्ट्रा पेज, कोई भी दूसरा पेज यूज नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल पेज में। कोशिश करिए A4, नेक्स्ट टाइम से A4 लगाइएगा। अभी इस समय हो सकता है लोगों के पास A4 ना हो, तो मैं उनको कॉपी का भी पेज परमिशन दे रहा हूँ, उस पर नाम लिखिए, ठीक है? SPQ3 सरप्राइज टेस्ट 2, इस तरह से लिख करके आएगा, उसको सॉल्व करना है, लिखना है और उसको अपलोड करना है। ये 11:50 से लेकर के मैंने लगभग 12:05 तक का समय दिया, उसको अपलोड करिए। उससे ज्यादा डिले हुआ अगर किसी का तो मैं 0 मार्क्स अवॉर्ड करूंगा उसमें। आ गया सर। हाँ, उसको लिखना शुरू करिए। और अभी तो मेरे सामने सब लोग अपने कैमरे तुरंत ऑन कर लीजिए, और बाकी जो है टाइम आपको अपलोड का करने का मिल जाएगा 5 मिनट का। अटेंडेंस सब लोग लिख दीजिए, सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, और अटेंडेंस सभी लोग लिख दीजिए। जिनकी अटेंडेंस यहाँ पर रिकॉर्ड होगी, जिनकी अटेंडेंस जिन्होंने मार्क की होगी, उन्हीं की कॉपी चेक होगी। बहुत अच्छे समझ लीजिए, मैंने पिछले बार भी आपको बताया, पिछले बार भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सरप्राइज था, आप देख लीजिए उनके मार्क्स नहीं चढ़े होंगे। चिकुट सॉफ्ट जो यहाँ पे है, जिन्होंने यहाँ अटेंडेंस मार्क की, जिन्होंने ये क्लास की है, ये टेस्ट उन्हीं के लिए। और सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए तुरंत, मुझे किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं, और किसी से नहीं बोलूंगा कि तुम कैमरा ऑन करो और ये है वो, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। मैं देख रहा हूं अभी लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया, और बहुत सारे लोग तो स्किप कर गए, स्किप कर गए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई विल अवॉर्ड 0।
बिल्कुल सभी के कैमरे ऑन हो जाने चाहिए। एक साइड पे ही मैं देखूंगा, जिसका कैमरा बंद है वो अपसेट है, समझ लीजिए टेस्ट। जल्दी से लिखिए और तुरंत इसका पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए। चेतन आराम से लिखो। आयुष खान के पीछे गणेश जी बने नहीं, बढ़िया है। अनन्या सिर्फ कॉपी में देखो। आवाज बंद है तुम्हारी। सो वो लैपटॉप पे जा, वो टेस्ट पेपर खोल रखा था ना, इसीलिए। बिल्कुल। स्क्रीन में सर तीन, हाँ 3 मिनट और बचे। सम रिया सिंह बताइए भाई क्या दिक्कत है। सर मेरे में क्वेश्चन ही नहीं ओपन हो रहा। अब ये तो तुम ऐसे तो अंधेरे में तो बैठी हो एकदम, क्यों नहीं ओपन हो रहा है? सबका ओपन हो रहा है, तुम्हारा ही नहीं ओपन हो रहा है। मोबाइल पे खोल ले हो, लैपटॉप पे खोल ले हो? सर फोन में। फोन पे कैसे चलेगा, मुझे क्या पता तुम्हारे उसमें फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना अंधेरा है तुम्हारा यहाँ, बड़ी मुश्किल से तो तुम दिख रही हो उनको, ऊपर पर चलता हुआ पंखा दिख रहा है। देखो तुम्हारा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं खोल रहा है। मैं श्रीवास्तव लिखे रहो बस फटाफट। आखिरी 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से लिखिए, फोटो खींचिए, अपलोड कर दीजिए। 12:05 के बाद किसी का भी किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं होगा। और अटेंडेंस सभी लोगों ने जरूर मार्क कर दीजिए, नहीं लिखी होगी तो फिर आप अपसेट हो जाएंगे। जिनकी अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, जिन्होंने लिखा होगा उन्हीं का टेस्ट कंसीडर होगा, बहुत अच्छे समझ लीजिए। कोई ना कहे कि हमने तो ज्वाइन किया था और हमने ये किया। दूसरी क्लास, नेक्स्ट क्लास किसकी है? आयुषी माइक ऑन करो, तब तो पता चलेगा। यस सर। नेक्स्ट क्लास किस सर? एमपी सर की है। एड्रेस को अपलोड कर दो फिर ज्वाइन करो। यस सर। पहले लिख करके अपलोड कर दो फिर ज्वाइन करो। ओके जल्दी।
राइटिंग टाइम कंप्लीट हो गया, मैं स्टॉप कर रहा हूँ मीटिंग और फटाफट अपलोडिंग करना शुरू करी। 12:05 के बाद किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा।